कमासान.com में आपका स्वागत है। मैं हूं कृष्णपाल राठौर, आप देख रहे हैं मेरे साथ इंदौर यात्रा। जी हां, और आज हम आपको रीजनल पार्क में लेकर आए हैं। इंदौर वैसे तो स्वच्छता में नंबर वन आकर अपना परचम लहरा चुका है, लेकिन आपको इंदौर की और भी स्वच्छता देखना है तो आप चले आइए इंदौर के रीजनल पार्क में। जी हाँ, ये वही रीजनल पार्क है जहाँ पर खूबसूरती और शांति का पैगाम मिलता है। ये वही रीजनल पार्क है जहाँ पर प्रकृति की खूबसूरती और मानव की खूबसूरती दोनों ही देखने को मिलती है। बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का, यहाँ की खूबसूरती यदि आपने नहीं देखी, अगर आप इंदौर वासी है तो एक बार जरूर आइएगा। एक अलग ही इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ का बना हुआ है, आप जब यहाँ पे आएंगे तो एक सुकून, एक शांति भरा माहौल यहाँ पर देखेंगे। जिस तरह से यहाँ के मेंटेनेंस और मैनेजमेंट ने खूबसूरती का कार्यभार संभाल रखा है वो देखने लायक है। मेरे ख्याल से पूरे इंदौर शहर को रीजनल पार्क जाना चाहिए, क्योंकि शांति और खूबसूरती का मिलन इस पार्क में होता है। आपको बता दें कि इंदौर का ये रीजनल पार्क इतना ज़्यादा खूबसूरती बिखेरता है कि जब यहाँ पर जाते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा मन घूमने को मचल जाता है। तो रीजनल पार्क की इस खूबसूरती को देखिए हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में। हमारा मन किताबें पढ़ने को मचल जाता है, हमारा मन कहता है कि बस यही इंदौर की खूबसूरती का नज़ारा है। हम इंदौर को स्वच्छता में नंबर वन लेकर आए हैं, लेकिन आप देखेंगे कि इंदौर के इस रीजनल पार्क में खूबसूरती के चार चांद लगे हुए हैं। चार चांद मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि आप देखेंगे कि प्रकृति का यहाँ पर नज़ारा है। कई सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, लेकिन उन पेड़ पौधों के साथ मानव जाति ने किस तरह से, यानी कि नगर निगम ने किस तरह से स्वच्छता का तालमेल बिठाया है वो देखने लायक है। अगर आपको खूबसूरती देखना है, इंदौर शहर की सफाई का सबक लेना है, तो आप जरूर आइए इंदौर के इस रीजनल पार्क में और सफाई का सबक लीजिए, क्योंकि प्रकृति का इतना खूबसूरत नज़ारा शायद कहीं देखने को ना मिले। घमासान.com से रवि धाकड़ और कृष्णपाल राठौर की रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे घमासान से जुड़ी हर ताज़ा अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँचें।